पुलवामा हमले में शहीद हुए कौशल रावत की पत्नी अपनी मांगों को लेकर कल से धरने पर बैठी है। कल से उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा के दो दिवसीय दौरे पर है। कल डॉक्टर दिनेश शर्मा शहीद की पत्नी के धरना स्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर अपनी पार्टी से नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष के घर पर भोज के लिए आने के बाद भी शहीद की वीरांगना से नहीं मिलने पहुंचे, जिसके बाद से आज शहीद की वीरांगना के पास धरना स्थल पर विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। शहीद की वीरांगना से मिलने आगरा समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी धरना स्थल पर पहुंचे और शहीद की पत्नी से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वाजिद निसार का कहना है कि शहीद की पत्नी के धरना स्थल से 100 मीटर की दूरी पर उप मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता से मिलने के लिए आ सकते हैं, लेकिन देशभक्ति की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री के पास शहीद की पत्नी से मिलने का समय नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ओर से शहीद के परिवार की मदद की जाएगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर भी समाजवादी पार्टी इनके साथ हर संभव मदद करेगी। वहीं शहीद की पत्नी ममता रावत का कहना है कि जब तक शहीद की शहादत पर जो घोषणाएं की गई थी वह पूरी नहीं होती, तब तक वह अपना धरना समाप्त नहीं करेंगी। आपको यहाँ 24 घंटे से ज्यादा हो गए, आपको लगातार आप बैठे हुए हैं, तो अब तक आपसे कोई मिलने आया? मिलने आए थे, SDM सर आए थे, ADM सर आए थे और सपा अध्यक्ष भी आए थे, अभी अभी आए थे, तो वो कह के गए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं और आप हिम्मत मत हारना, हम सरकार से आपका सहयोग करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी आए जैसे ADM और SDM सर आए, तो उन्होंने क्या कुछ उन्होंने ये कहा है कि मान सरकार हाउस में और मान जी वो दिनेश शर्मा जी आए हुए हैं, हम आप मिलने के लिए बुला रहे हैं। मैं तो मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी। 3 बार आए कि चलो हम बुला रहे हैं, चलो बुला रहे हैं वहाँ, हमारी सुन लो, लेकिन हम नहीं गए। मैं खड़ी हूँगी नहीं यहाँ से, वो यहीं आएंगे। तो आपने मना कर दिया सीधे तौर पर कि आप यहाँ से नहीं? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। जब वोट पड़ते हैं जभी तो वो हमारे पास आते हैं, तो आज शहीद की खबर लेने के लिए यहाँ तक नहीं आ सके मेरे पास में, तो चले गए चाय नाश्ता करके। नहीं, नाम बता मदद। मैं चौधरी वाजिद निसार, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज आप शहीद की वीरांगना से मिलने के लिए आए? आज हम यहाँ स्मारक पर शहीद कौशल जी के आए हैं और बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे शहीद का परिवार उनकी धर्मपत्नी कौशल जी की भूख हड़ताल पर बैठी है। 100 मीटर शहीद स्मारक के 100 मीटर उप मुख्यमंत्री आ सकते हैं, लेकिन एक शहीद की विधवा बैठी है धरने पर अपनी मांगों को लेकर जो घोषणा की गई थी, एक शहीद को दर्जा जो मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, उसकी मांग को लेकर उन मुख्यमंत्री पे जो बहुत बड़े देशभक्ति की बातें करते हैं, वो उनसे मिलने का समय नहीं था और 100 मीटर एक अपनी पार्टी के नेता से मिल के चले गए। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज शहीद के परिवार से मिलने आए। इनकी लड़ाई में हम लोग समाजवादी लोग कंधे से कंधा मिला के पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, इनको हक दिलाने का काम करेंगे और जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राष्ट्रीय श्री अखिलेश यादव जी जो मदद करेंगे वो करेंगे, लोकल स्तर पर समाजवादी लोग इनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम साहब का ये कहना था कि मुझे जानकारी नहीं थी, ऐसा हो सकता है कि पूरा प्रशासन अमला कल से यहाँ टेस्टिंग ले रहा है इनकी, पूरा सरकारी कर्मचारी आके इनका BP और शुगर चेक कर रहे हैं और इन लोगों को पहले भी शर्मा जी टाइम दे चुके हैं, इनके कार्ड तक बढ़ गए थे कि शर्मा जी ने समय दिया है वो आ रहे हैं और लास्ट टाइम पर उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और आए नहीं यहाँ पर। ये झूठों की पार्टी है, झूठों की सरकार है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा विकल्प या दूसरी बात नहीं। क्या मानते हैं जिस तरीके से देशभक्ति की बातें करते हैं शहीद की, इनकी कथनी और करने में फ़र्क है? ये बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, जनता इनको समझ रही है, देख रही है। शहीद परिवार जिनको बिना मांगे ये सुविधा दे देनी चाहिए थी, उनको उन सुविधाओं के लिए जिसका मांग का सिंदूर उजड़ गया हो, जिसके बच्चे अनाथ हो गए हों, वो आज शहीद की विधवा अपने शहीद
के मूर्ति पर आवरण की पे आज धरने पर बैठी है, मैं समझता हूँ इससे बड़े अफसोस और दुख की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी की ओर से क्या मदद रहेगी? पूरी मदद रहेगी, एक एक समाजवादी इनकी हल लड़ाई में कदम से कदम मिला के साथ रहेगा, प्रशासन से बात करने से लेकर संघर्ष करने से समाजवादी लोग इनके साथ रहेंगे और इनकी हक की लड़ाई में इनका साथ देके इनको हक दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सीएम के यहाँ ना आने का मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं दिया जा रहा? नहीं, राजनीतिक मुद्दा क्या है, 100 मीटर पे आप आ रहे हो, कहाँ तुम देशभक्ति की बात करते हो? तुम्हें शहीद के घर जाने में 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी में आने में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? इसका मतलब आपकी जो नेत है उसमें खोट है, आप उनको सुविधा नहीं देना चाहते, कोई बयान नहीं देना चाहते, इस वजह से आप बचने का काम कर रहे हैं।